जनगण मन संग विश्व पटल पे छाया देश हमारा, 100 जन्म है जिस पर न्योछावर, वो भारत देश हमारा, वो भारत देश हमारा। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, 100 जन्म भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। जहां हवा में बहती सर्वधर्म की मनमोहक सुरतान है, जहां हवा में बहती सर्वधर्म की मनमोहक सुरतान है, हिमगिरी से आदर्श जहां पे बलिदान भरा यशगान है, ज्ञान ध्यान विज्ञान संस्कृति गरणा कला जहां जन्मी, वेदों की ये देवभूमि इस धरती का वरदान है, इस धरती का वरदान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। हम उन वीरों के वंशज हैं जो भाल पे काल सजाते थे, हम उन वीरों के वंशज हैं जो भाल पे काल सजाते थे, जाति पाति और धर्म छोड़ के देश पे प्राण गंवाते थे, चिरखंड रखना है हमको अमृत विजय महोत्सव को, चिर अखंड रखना है हमको अमृत विजय महोत्सव को, प्राणों की उन आहुतियों पे नतमस्तक हिंदुस्तान है, नतमस्तक हिंदुस्तान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। पावन भूमि पे पग रख के अब सांसों में संकल्प भरें, पावन भूमि पे पग रख के अब सांसों में संकल्प भरे, साहस की चट्टानों से एक नई नींव का विकल्प धरे, एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहां, एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहां, अब हम ही अगली शक्ति है, ये दुनिया को फरमान है, 100 जन्म भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। Thank you very much. लौट आए हैं ज्ञान की सबसे पुरानी गुल्लक। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देवियों सज्जनों, देखिए पूरे 232 दिनों के बाद आप सबको मेरा नमस्कार। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस बार हम सोमवार की जगह रविवार को कैसे आ गए। दरअसल अब तक हम अपने देशवासियों के सपनों के लिए आते थे, लेकिन आज हम अपने देश के लिए आए। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान को सलाम करने और एक शाम अपने देश के नाम करने आज कौन बनेगा करोड़पति मना रहा है आजादी के गर्व का महापर्व। धन्यवाद। हम वो देश हैं जहां भारतीय कहलाने से बड़ा
हमारे लिए कोई श्रृंगार नहीं, और हर धर्म का जश्न मनाने वाले भारत में आज भी आजादी से बड़ा कोई त्योहार नहीं। हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है हमारे किसानों पर, हमें गर्व है अपने विज्ञान पर, हमें गर्व है अपने इतिहास पर, गर्व है मंगलयान पर, गर्व है विश्व पदक और वर्ल्ड कप पर, हमें गर्व है नवयुग के स्टार्टअप पर। हम हर जमीन पे अपने देश का परचम लहराते हैं, हम हर जमीन पर अपने देश का परचम लहराते हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय कहलाते हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय कहलाते हैं। शुरू करने से पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारे वो खास मित्र हैं जिन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी है। जहां बाकियों के लिए कहा जाता है कि लाइट्स कैमरा एक्शन, इनके लिए कहा जाता है लाइट्स कैमरा परफेक्शन। इनकी हर फिल्म में समाज के लिए एक संदेश होता है, लेकिन सबसे पहले इनके लिए देश होता है। तो देवी संजो बुलाते हैं उन्हें, जिनके होने से हिंदी सिनेमा चैन की सांस लेकर कह सकता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जोरदार तालियां पद्म भूषण आमिर खान। बहुत बहुत स्वागत आमिर खान साहब का। आमिर, आपका परिचय देते समय हमने आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा था। जी जी। तो आज का ये जो खेल है उसे भी आपको पूरे परफेक्शन के साथ ही खेलना होगा। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा जी, लेकिन आज एक मैं बहुत ही खास भावना से खेल रहा हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दो ऐसे लोगों के साथ खेल रहा हूँ जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं। जी जी। एंड इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू देम, एंड मैं उनके साथ कुछ चंद मिनट गुजारूंगा। मेरे लिए बहुत खास दिन है यार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो समझो, आंखों में सम्मान और दिल में गर्व लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंडिया की पहली फीमेल ऑफिसर टू गेट ए गैलेंट्री अवार्ड, कर्नल मिताली मधुमिता सेना मेडल गैलेंट्री। और कारगिल वॉर के जाबाज सिपाही मेजर डीपी सिंह रिटायर्ड। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। Mataram! 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 Mataram!